बाबा का आश्रम यहाँ पर है, ये महायोगी पायलट बाबा ये रहे, ये आश्रम है पायलट बाबा जी का, रास्ते में पड़ता है। ये रहा मंदिर टाइप बना है, सामने गणेश जी की मूर्ति दिख रही है आपको, बड़ा सा टेंपल है। ये रहा सिद्धिविनायक, जय हो माता जी, टेंपल है ये। काफी टूरिस्ट आए हुए हैं, ये देखिए वीडियो फोटो बना रहे हैं। इधर भी मंदिर है, नैनीताल को निकल जाएगा ये। ठीक, एक बड़ी सी मूर्ति भी लगी हुई है जय हनुमान जी की, ये देखिए बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यार। आई डोंट नो क्या है, बट लग बहुत अच्छा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कल्चरल सेंटर है या कुछ तो है। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। वादियाँ हैं नैनीताल के पास की पहाड़ियों की, रास्ता हमारा चेंज कर दिया गया, और इतनी ठंड हो रही थी रात में और दोपहर में वैसी ही गर्मी। ये देखो ये है पहाड़ों की कहानी। और होटल भाई सब ओवर बुकड हैं, इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं नॉर्थ इंडिया से और ऑल ओवर इंडिया से कि सब बुकड हैं। कुछ तो काफ़ी बढ़िया है भाई, जैसे कि पहाड़ों में होता है, बट गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सेम जैसे रात में ठंड थी हल्की, शाम को शुरू हो जाती है ठंड, वैसे ही इस समय गर्मी है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है भैया, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। और रास्ता को डाइवर्ट करा गया है, तो हम लोग इस समय दूसरा रास्ता लेके जा रहे हैं नैनीताल। रास्ते में देखो ढेर सारे टूरिस्ट दिखेंगे आपको यहाँ पर। यहाँ से मस्त व्यू लग रहा है, सामने रोड जा रही है। पर ऊंचाइयों पे पहाड़ देख लीजिए भैया, थोड़ा लाइट काफ़ी ज़्यादा होगी इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन व्यू मस्त दिखेगा आपको, ये गारंटी है। ये देखो इसी व्यू के लिए तो इंसान आता है शहरों से पहाड़ों में, गांव को देखने, पहाड़ों को देखने, यही तो ब्यूटी है, वरना क्या है। कुछ दिन तो गुजारिए उत्तराखंड में। ये रहे छोटे छोटे घर, ये देखिए पहाड़ों के बीच में अलग ही लाइफ होगी यहाँ पे लोगों की। हमें लगता है कि आसान है यहाँ रहना, काफ़ी मुश्किल होता होगा लोगों को आई एम श्योर, छोटी छोटी चीज़ें हाउस होल्ड की उसे लाना, क्योंकि शहरों में तो हम रहते हैं भाई, स्विगी कर ली, ब्लिंकिट कर लिया, 5 मिनट में सामान आ गया, 10 मिनट में सामान आ गया, खाना आ गया, ग्रोसरी आ गई। लाइफ यहाँ इतनी ईजी नहीं है इतनी हमें लगती है, क्योंकि एज ए टूरिस्ट हम लोग भाई होटल में रुकते हैं, होटल में सारी चीज़ें ऑन कॉल मिल जाती है टूरिस्ट के लिए, बट जो लोकल यहाँ पर रहता है उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। और स्पेशली जब आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो या फाइनेंशली स्टेबल नहीं हो, तो लाइवलीहुड को संभालना मुश्किल होता होगा आई एम श्योर। और बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं वो हमको यहाँ पर, अच्छा लगता है यार। मैं तो काफ़ी इन्वी फील करता हूँ कि जो लोग यहाँ लोकल रहते होंगे वो डेली कितना इन्जॉय करते होंगे, बट एज सेड कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं उनको वहाँ की आदत हो जाती है। जैसे यहाँ के लोगों को प्लेन्स में अच्छा लगता होगा, प्लेन्स वाले लोगों को पहाड़ में अच्छा लगता है। फुल आ गया इसमें दिखा रहा है नैनीताल 18 किलोमीटर दिखा रहा है, काठगोदाम 20। भाई हम लोग गुम हो गए हैं ऐसा लग रहा है, रास्ते में समझ में नहीं आ रहा है, गूगल मैप हमें किस तरफ ले जा रहा है, लोगों से पूछ के ही पहुँचना पड़ेगा नैनीताल, क्या बताऊँ मैं। येरा नैनीताल का नज़ारा झील का, और भाई साहब बिल्कुल मत आना यहाँ पे, स्पेशली रश टाइम में, इतना ज़्यादा रश है कि क्या बताऊँ। नैनी लेक दिख रहा होगा आपको, देखो फुल क्राउडेड है भाई, फुल क्राउडेड है, टूरिस्ट से, लोगों से, बिजनेस से, फुल क्राउडेड है। और आपको अंदर जाने के 110 रुपये देने पड़ते हैं अगर आप गाड़ी से अंदर जा रहे हैं भाई। कल रात में भी हमने दिया था और अभी भी शायद देने ही पड़े। ये मेन चौराहा है, सामने देख रहे हो लोग बोटिंग कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है भाई। इस टाइम बिल्कुल भी मत आना, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में फुल क्राउडेड होती है। ये रहे गांधी जी हमारे,
ये रहा रास्ता, इधर से हम घुसेंगे अंदर और आपको यहाँ 110 रुपये का टोल देना पड़ेगा। भीड़ देख लो आप भैया, रात में भी मैंने आपको दिखाई थी और इस टाइम भी देखो यार भीड़। आगे बोट स्टैंड तल्ली ताल, एक तरफ का एरिया तल्ली ताल है, एक तरफ का मल्ली ताल है। तो ये देखो भीड़, ज़रा देखो नैनीताल में भीड़ देखो ज़रा भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तब भी लोग जो है बोटिंग कर रहे हैं, स्विमिंग बोल रहा हूँ। ये देखो इस स्मारक सफाई भी हो रही है भाई, वेंडर भी हैं लोकल, भीड़ अभी भी लगी हुई है देख सकते हो आप। 110 रुपये टोल लेते हैं ये मॉल रोड में जाने का गाड़ी से। लिखा हुआ है लोक ब्रिज टोल टैक्स 110 रुपये मॉल रोड नैनीताल। तो मॉल रोड घूमने के लिए आप अलग से पैसे दीजिए, अपनी ट्रिप के तो आप पैसे देते ही हैं, ये भी दीजिए। इधर लगा हुआ है ये देखो टोल टैक्स 110 रुपये, पर्ची आपको मिलती है 110 रुपये की, वन टाइम ही वैलिड है। एक बार आप मॉल रोड में घुसे, वापस आके दोबारा घुसेंगे दोबारा पैसा देना पड़ेगा भाई। ये देखो ये रहा साइड में नैनीताल भाई, लेकिन एक चीज़ है कि हवा बहुत बढ़िया आ रही है, ठंडी ठंडी सी, लेकिन ट्रैफिक और लोग इतने ज़्यादा हैं कि क्या ही बोलूं। मतलब आप तब भी प्लान करिए भाई, ऑफ सीज़न में आइए है, लेकिन वही है कि जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हो, तो क्या ही संभाले और कैसे करा जाए, वो एक चैलेंज आ जाता है आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन के पास। गति सीमा मॉल रोड पे गाड़ियों की वो है 20 किलोमीटर वाली, 20 किलोमीटर है, अच्छा लगता है यार, हवा अच्छी आती है। कल रात में जब लोग आए थे तो रात में पता नहीं क्यों बदबू सी आ रही थी यहाँ से, बट अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा माहौल है। ये देखिए लोग बोटिंग कर रहे हैं, हम देखिए अब आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे, अच्छा लग रहा है अब देखने से यहाँ पे। तो यही है भाई, ये बोट हाउस, गवर्नर्स बोट हाउस, अलग अलग बोट हाउसेज हैं, बट बोट हाउस का तो मज़ा तब लोगे ना जब भीड़ कम हो और आप टाइम से आए हो। ये देखो भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है कि मैं भीड़ के ही वीडियो दिखा रहा हूँ आप। में मार्केट लगी हुई है, जैसे रात में लगी हुई थी वैसे अभी भी लगी हुई है, रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने के, बट ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है, बट फिर भी भीड़ है भाई। तो बेस्ट तो ये है कि आप यहीं पास में किसी होटल में रुकिए, गाड़ी कहीं बाहर लगवा लीजिए अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, क्योंकि भाई गाड़ी के साथ तब नहीं ट्रेवल कर पाओगे यहाँ पे। हमें लगता है कि भाई अपनी गाड़ी ले आओ अच्छा रहेगा, बट ऐसा नहीं है भाई, स्पेशली पीक टाइम में। हवा जो रात में आपको दिखाया था, ये अशोक कैफ़े, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर खाने पीने के लिए, इधर भी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा सामान मिल जाएगा आपको। और इस साइड जो है ये देखिए जागरण भी चल रहा है, ये रहा बोट हाउस क्लब नैनीताल का बोर्ड, इधर इस ट्रैफिक में ये मोची भी लगाया हुआ है, आपकी जूते चप्पल को दिक्कत आ जाए तो। सामने बड़े से स्टैचू लगा हुआ है, तो ये आपको इस साइड मॉल रोड, तल्ली बस स्टैंड, हनुमानगढ़ी, ठंडी सड़क इधर सामने है, ठंडी सड़क पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है, बट इतने ज़्यादा ट्रैफिक है कि क्या ही मैनेज कर लोगे यार आप। सामने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हैं जिनके नाम पे काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और रोडे हैं यहाँ पे, उनकी मूर्ति लगी हुई है, बाकी मॉस्क भाई, और इसी के पीछे एक मंदिर भी है। ये रही सामने मॉस्क दिख रही है, और यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान भी है जहाँ पे कभी कभी मेला भी लगता है, और एक नंदा देवी का फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। ये रहा वो ग्राउंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, पार्किंग में देखिए आप गाड़ी, गाड़ियाँ देखो आप फुल पैक है, और यहाँ पे ना बहुत बड़ा बिजनेस है पार्किंग का भाई, जो छोटे मोटे पार्षद और वो सब हैं यहाँ के भाई, उन्होंने अपनी ज़मीन
पार्किंग करवाते हैं और दबा के पैसे कमाते हैं भाई। इतनी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली होटल विक्रम इंटेक पहुंच गए हैं भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, आपने देखा ही होगा। आप अंदर चल रहे हैं, यहाँ हमारी वर्कशॉप है आज, यहाँ वर्कशॉप करेंगे फिर निकल जाएंगे आज हम हल्द्वानी। रास्ते में फिर एक जगह रुके, हम सोचे आपको व्यू दिखा दें। सनसेट होने वाला है, ये पीछे आपको दिख रहा होगा रेड रेड, ये जो दिख रहा है इसी के पीछे सनसेट हुआ है भाई। लालिमा दिख रही है आपको, पूरा जंगल है, ग्रीन ग्रीन ज़्यादा है, ग्रीन एरिया, ये पहाड़ है, ये पहाड़ का टॉप। और इस साइड आप देखिए भैया, घर बने हुए हैं कुछ, ये रहे घर। सोचिए कैसे लोग यहाँ रहते होंगे, कैसे सामान आता होगा। ये देखो छोटी सी एक रोड बनी गई है, पता नहीं कैसे वहाँ पे सामान आता होगा। और इस साइड फिर ऊपर एक पहाड़ है, इस साइड देखिए, ये रहा। इस पहाड़ पे पेड़ नहीं है ज़्यादा, ये देखिए हैवी पहाड़ लग रहा है ये। और पूरा कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं जूम आउट करता हूँ ये देखो, काफ़ी शांति है यहाँ पे। और शांति के बीच ये पहाड़ और पहाड़ के पास ये घर, वो बैकग्राउंड में पीछे सनसेट हो रहा है। और इस साइड ये रोड है, ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, में बाइक आ रही है। और आपको एक और बस ही दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला ज़रा पहाड़ देखो, रॉक टेरेन है एकदम रॉकी, ये देखो ऐसे लंबे लंबे पेड़ ऐसे इसके ऊपर लगे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे जो है एक वो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये रही। अच्छी जगह आए हम लोग, ये देखो हट्स है, यहाँ पे आप आराम से टाइम बिता सकते हो। कूलर लगा हुआ है, ये बेड है। कोई अंदर तो नहीं गया भाई? कोई चप्पल है, ये चप्पल रखी है ये। और ये ने अंदर वॉशरूम भी बना रखा है भाई, वाह। इधर लाइट वाइट बना रखी है, नाइस। और ये एरिया बहुत बढ़िया है, आपको एरिया दिखाता हूँ मैं। ये एरिया इतना बढ़िया है कि आई थिंक काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो लाइट्स कितनी अच्छी सजा रखी है इन्होंने शाम के टाइम में, बहुत मस्त माहौल हो रखा है। ऊपर रेस्टोरेंट है ना, और इस साइड छोटे छोटे हट्स बना रखे हैं इन्होंने, ये देखिए। इधर झूला भी लगा हुआ है, एक ऊपर भी हट है, ऊपर भी रफ प्राइवेट टाइम में जाना चाहते हैं तो ऊपर भी है। इधर हट है, झूला है, एक इस साइड है, बाहर भी बैठने का है। लाइट्स बड़ी अच्छी लगा रखी है भाई ने, एक ये भी हट है। और इस साइड सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर फ्लोइंग रिवर है भाई, ये देखो, ये आपको मस्त लग रहा है भाई।